अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश स्पेस अकेडमी। आज हम लोग फर्स्ट ईयर का लेक्चर कवर कर रहे हैं और फर्स्ट ईयर के लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर 9 यानी कि नेचर ऑफ लाइट कंटिन्यू है। और आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं डिफ्रेक्शन से रिलेटेड है और इम्पॉर्टेंट भी है, और यह है कि रीजनिंग क्वेश्चन के लिहाज से भी एक तरीके से इम्पॉर्टेंट है, और वो टॉपिक है डिफ्रेक्शन ऑफ एक्सरेज या ब्रेग्स लॉ। सबसे पहली बात, मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ एक्सरेज का। देखो, एक्सरेज जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, विजिबल रेडिएशन से ज़्यादा होती है, ठीक है। और क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है। इनकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत ही ज़्यादा एनर्जी कैरी करती हैं, बहुत ही ज़्यादा पेनिट्रेटिंग होती हैं, जिस बेसिस के ऊपर हम लोग एक्सरे वगैरह करवाते हैं, ठीक है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी, इनकी वेवलेंथ बहुत शॉर्ट होती है, और इनकी वेवलेंथ एमसीक्यूज वगैरह के अंदर ही पूछी जाती है, 0.1 नैनोमीटर से लेकर 1 नैनोमीटर तक इनकी रेंज है वेवलेंथ की, मतलब कि नहायत ही कम। आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर 1 मीटर का डिस्टेंस एक्सरे ने कवर करना होता है तो तकरीबन तकरीबन 10^9 या 10^10 वेव्स बन जाती हैं इस 1 मीटर के अंदर। तो ये बात याद रखनी है कि एक्सरेज जो है वो बहुत ही शॉर्ट वेवलेंथ रखती हैं, और इसी शॉर्ट वेवलेंथ की वजह से एक बड़े ही इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक्सरेज जो है वो डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग से डिफ्रेक्ट नहीं होती। डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग जो कि मैंने आपको बताया था कि भाई हम जो है वो मैकेनिकल लाइंस वगैरह बनाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग अपनी टेक्नोलॉजी के मुताबिक इतनी क्लोज लाइंस नहीं बना सकते कि जो एक्सरेज को डिफ्रेक्ट कर सकें। मैंने आपको बताया ना, एक्सरेज की वेवलेंथ बहुत शॉर्ट है, इतनी शॉर्ट है कि जो स्लिट्स बनती हैं डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग में, दो लाइनों के दरमियान में जो गैप बनता है, वहाँ से वो ईजिली पास आउट हो जाती हैं। जब वो पास आउट हो जाती हैं तो वो डिफ्रेक्ट नहीं होती, और जाहिर सी बात है अगर हम एक्सरेज की डिफ्रेक्शन को स्टडी करना चाहते हैं तो डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग बिल्कुल हमारे काम की नहीं है। तो फिर किस तरीके से हासिल करें हम डिफ्रेक्शन ऑफ एक्सरेज? तो याद रखिए, इन ऑर्डर टू स्टडी और ऑब्जर्व द डिफ्रेक्शन ऑफ एक्सरेज हमें यूज़ करना पड़ता है कोई क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। क्रिस्टल क्योंकि नेचुरली फॉर्मिंग है तो उनके दो एटम्स के दरमियान का, जिसे डिफ्रेक्टिंग प्लेन्स भी कहते हैं, उनके दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो कंपेरेबल होता है टू द वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज। यानी कि जब एक्सरेज उन फॉर एग्जाम्पल NaCl जो कॉमन रॉक सॉल्ट क्रिस्टल है, NaCl का क्रिस्टल है, उससे पास आउट होती हैं तो डिफ्रेक्शन को ऑब्जर्व किया जा सकता है, एक्सरे डिफ्रेक्शन को ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो याद रखिए एक साइंटिफिक रीज़न के वाई एक्सरेज आर नॉट डिफ्रेक्टेड बाय यूजिंग ऑर्डिनरी डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग, तो याद रखिए दे हैव वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, रेंज मैंने बताई 0.1 नैनोमीटर से लेके 1 नैनोमीटर तक इनकी रेंज होती है। और फिर कैसे ऑब्जर्व करते हैं? तो याद रखिए इसको ऑब्जर्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। कोई भी एक क्रिस्टल हम इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल NaCl का रॉक सॉल्ट क्रिस्टल इस्तेमाल करते हैं, उसके जरिए हम डिफ्रेक्शन ऑफ एक्सरेज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं कि एक्सरे डिफ्रेक्शन होता किस तरीके से। तो देखो यहाँ पर हमने क्या करा है, ये एक्सरेज हैं जो कि यहाँ पर जाकर टकरा रही हैं, ठीक है, मूव कर रही हैं, ये हो गई एक्सरेज। और यहाँ पर जो है ना वो हमने कोई स्ट्रक्चर रखा हुआ, मतलब यहाँ पर हमने जो है ना कोई भी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर रखा हुआ जिसके अंदर एटम्स की कुछ अरेंजमेंट है। तो ये एक एटम आ गया, ये एक एटम आ गया, ये एक एटम आ गया, और फॉर एग्जांपल उसके जो दो डिफ्रेक्टिंग प्लेन्स हैं जो कि एटम्स के दरमियान का डिस्टेंस है, वो 5 नैनोमीटर के बराबर है। और यहाँ कहीं पर हमने जो है वो डिटेक्टर लगाया हुआ है जो कि इन एक्स रेज को जब ये इससे टकराने के बाद पहुँचेंगी डिटेक्टर तक तो उनको डिटेक्ट करेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अभी किसी भी एंगल पर आके एक्स रेज टकरा रही हैं, तो जब एक्स रेज किसी पर्टिकुलर एंगल पर आके टकरा रही हैं तो नतीजे में हम देखेंगे कि वो एक सेम एंगल पर जो है वो हमें डिटेक्ट हो रही हैं, मतलब मिल रही हैं, ये डिटेक्टर उनको डिटेक्ट कर पा रहा है, ठीक है ना। और जो एक्स रेज अभी फ़िलहाल हैं वो लाइंड अप आ रही हैं, बिल्कुल सीधी सीधी आ रही हैं, और फिर इन एटम से टकराने के बाद यहाँ पर डिटेक्ट हो रही हैं। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा एंगल को चेंज करते हैं, ठीक है, हम एंगल को चेंज करेंगे एक्सरेज के, तो नतीजे में देखते हैं कि क्या हमें मिलता है। हमने अब एंगल को थोड़ा सा कम कर दिया, ठीक है, जिस एंगल पर टकरा रहे थे अब हमने उससे कुछ कम एंगल कर दिया है, ठीक है। वही एक्सरेज आ रही हैं एटम से आके टकरा रही हैं, तो इस पर्टिकुलर एंगल के ऊपर हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि ये जो दोनों वेव्स हैं, ये वाली जो वेव है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये सेकेंड वाली वेव, ये फर्स्ट वाली वेव थी, जो सेकेंड वाली वेव है वो कुछ एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर कर रही है, और एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करने की वजह से कोई ना कोई पाथ डिफरेंस आएगा, और जब पाथ डिफरेंस आएगा तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दोनों जो वेव्स हैं वो इंटरफेरेंस कर रही हैं, ठीक है ना, इस पर्टिकुलर एंगल पर। हालांकि इससे पिछले वाले एंगल पर ऐसा नहीं था, आप देखें इससे पिछले वाले एंगल के ऊपर जब रेज टकरा रही थी तो ऐसा कुछ मामला था जहाँ पर इंटरफेरेंस ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा था,
और अब जो है वो हम क्लियरली इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं एट अ पर्टिकुलर एंगल, ठीक है जी। और 5 नैनोमीटर ये मैं बता चुका हूँ आपको, ये वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है अप्रॉक्सीमेटली जो कि ये जो हमारी रे नंबर 2 थी वो कवर कर रही थी। तो हमने इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व कर लिया और वो भी एक्स रेज की। अच्छा अब क्या है, अब वही जो एक्स रेज की डिफ्रेक्शन को हमने स्टडी करा ना, तो ब्रैग ने उसको सही तरीके से स्टडी करा और फॉर्मूला ड्राइव करा जिसकी मदद से हम एक्स रेज की वेवलेंथ मालूम कर सकते हैं, एटम्स जो किसी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के होते हैं उनके दरमियान के डिस्टेंस को मालूम कर सकते हैं। तो ब्रैग्स लॉ का काफ़ी ज़्यादा काम है, इसको ड्राइव कर लेते हैं अभी। सपोज कर रहे हैं पैरेलल लैटिस प्लेन्स हैविंग स्पेसिंग डी, डी डिस्टेंस है उनका आपस में, और ये क्लियर है जो कि फिगर में बताऊंगा कि जो रे नंबर 2 है मैंने अभी एक्सप्लेन भी करा था वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर कर रही है एज फर्स्ट रे, ठीक है ना। ये जो रे नंबर 1 है जो इंसिडेंट बीम है आप देख लो वो इस पॉइंट से पॉइंट ए से टकरा कर चली गई, और ये जो रे नंबर 2 है ये इस पॉइंट से टकरा कर जा रही है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि रे नंबर 2 जो है वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर कर रही है, और इसका जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर हो रहा है ना वो एक्चुअली हम लोग फाइंड करेंगे। अच्छा यहाँ पर ना ये वाला ट्राइंगल मैं दोबारा से आपको समझाता हूँ, ये आ गया पॉइंट ए ऊपर वाला, और ये जो नीचे वाला पॉइंट है डिफ्रेक्टिंग प्लेन का ये वाला पॉइंट हो गया पॉइंट बी, ठीक है। और यहाँ से रेज जा रही थी तो हमने क्या करा, पॉइंट ए से रे नंबर 2 के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये कुछ एक पॉइंट आ गया, फॉर एग्जांपल पॉइंट सी तक का, ये पॉइंट सी बन गया, हमने परपेंडिकुलर ए से गिराया था तो ये इस पॉइंट सी तक का आ गया, ठीक है ना। पॉइंट ए से यानी कि फर्स्ट रे से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा रे 2 तक ताकि पार्ट डिफरेंस आए, और फिर इसी पॉइंट ए से एक और पॉइंट जो कि डी पॉइंट था वहाँ तक हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, तो हमें इस किस्म का एक ट्राइंगल मिला, और ये जो है ये हो गया यहाँ पर पॉइंट डी। और यकीनन कोई ना कोई एंगल्स बन रहे हैं, तो यहाँ पर बनने वाला एंगल भी होगा थीटा और यहाँ पर बनने वाला एंगल भी होगा थीटा के ही बराबर। अब अगर बात ऑब्जर्व करो तो जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर कर रही है ना रे नंबर 2 वो है सी से बी तक का और फिर बी से डी तक का। अगर इस डिस्टेंस को जो मैंने रेड से शो करा इसको मैं माइनस कर दूं तो आप देखो दोनों जो रेज हैं उनका डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा, यानी कि पार्ट डिफरेंस जो है ना बेसिकली बी से सी तक का डिस्टेंस और बी से डी तक का डिस्टेंस है, यानी कि ये पार्ट डिफरेंस है बी से सी और एक ये वाला पार्ट डिफरेंस है बी से लेकर डी तक का, ठीक है। और अगर मैं इसी ट्राइंगल की मदद से फाइंड करना चाहूँ कि बी से सी तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो याद रखो ये जो है वो थीटा के सामने वाली साइड है और ये भी थीटा के सामने वाली साइड है, और 90 डिग्री जो है ना वो ये वाला एंगल है और यहाँ पर 90 डिग्री ये वाला एंगल है। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड ए से बी है और 90 डिग्री के सामने वाली साइड ए से बी है, जो कि खुद किसके बराबर है, वो खुद बराबर है डी के, यानी आप ये बात याद रखिए हाइपोटन्यूज डी के बराबर है और परपेंडिकुलर इस वाले ट्राइंगल में यानी कि ए बी सी के अंदर बी सी के बराबर है और इस वाले ट्राइंगल में बी डी के बराबर है। तो अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालता हूँ तो साइन थीटा बराबर किसके होता है, याद रखिए साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ट्राइंगल ए बी सी का अगर साइन थीटा निकालेंगे तो किसके बराबर आएगा, बराबर आएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी कि बी से सी तक का जो डिस्टेंस है और उसको डिवाइड करा देंगे ए से बी तक का डिस्टेंस, और ए से बी तक का डिस्टेंस मैंने आपको बताया किसके बराबर है, डी के बराबर है। तो इसका मतलब अगर मैं बी से सी तक का डिस्टेंस मालूम करना चाहता हूँ तो वो किसके बराबर आ सकता है, वो बराबर आ सकता है डी साइन थीटा के, और सिमिलरली अगर बी से डी तक का डिस्टेंस मालूम करना है तो वो भी किसके बराबर आएगा, वो भी बराबर आएगा डी साइन थीटा के, जो कि आप खुद से इस ट्राइंगल की मदद से फाइंड कर लो ताकि प्रैक्टिस हो जाए। वीडियो को यहीं पर ही रोक कर सबसे पहले उसको फाइंड कर लो ताकि यहाँ भी क्लियर हो जाए कि बी से डी तक का डिस्टेंस भी ट्रिग्नोमेट्री के साइन एंगल को यूज करके उतना ही आएगा, ठीक है। हम चलते हैं अब आगे डेरिवेशन की तरफ। पार्ट डिफरेंस मैंने बता दिया बी से सी, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस जो है ये है एक्स्ट्रा डिस्टेंस, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब हम मालूम करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर बी ए सी, वही जो मैंने आपको अभी भी समझाई है बी ए सी, ये वाला जो ट्राइंगल है यहाँ से है, हमें पता है बी सी ओवर एंगल के सामने वाली साइड ये वाली है बी सी और 90 डिग्री सामने वाली हाइपोटेन्यूज यानी कि ए बी, जो कि खुद किसके बराबर आएगा बी सी अपॉन डी, और जब बी सी की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगा डी साइन थीटा के बराबर। और सिमिलरली जो काम मैंने आपको दिया था फाइंड करने का बी से डी तक का डिस्टेंस भी बराबर आएगा डी साइन थीटा के। ये दोनों वैल्यूज यानी कि बी से सी और बी से डी पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो मिलेगा पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा, तो ये बराबर हो जाएगा 2d साइन थीटा के। और जब आ गया 2d साइन थीटा के बराबर ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अच्छा अब कंडीशन हमें पता है फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए m लैम्डा,
हमारे मुताबिक आंसर 2D साइन थीटा आया था। कंडीशन जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, वो खुद एम लैम्डा है। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो आंसर मिलेगा डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा, ठीक है ना। ये मतलब 2D साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा, ये टू सॉरी मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर। ये जो 2D साइन थीटा है वो किसके बराबर आ जाएगा, वो बराबर आ जाएगा एम लैम्डा के। और 2D साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा, यही लॉ कहलाता है ब्रेग्स लॉ। सो दैट्स इट, यही था डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज में समझना था आप लोगों ने और ब्रेग्स लॉ को समझना था। आई होप सारी बातें क्लियर होंगी, कोई कन्फ्यूजन रह गई है तो बिल्कुल लिखिए कमेंट सेक्शन में, इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा। इस लेक्चर के लिए इतना ही है, अगले लेक्चर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।